पहले बूथ जो है बीस बारी सटीन पर किए मोदी जी और योगी जी के काम आम आदमी को अनाज से लेकर सब सुविधाओं की जो मुहैया कराई है उसके उपलब्धियों के नाम पर काम के नाम पर और जो विकास है उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं और उत्साह के साथ दे रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार पहले से ही उत्तर प्रदेश को सेंटर में और तीन इंजन की सरकार हो जाएगी तो आपस में टकराएंगे। अखिलेश यादव का मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि इंजन जब अपने हिसाब से चलते हैं गति से चलते हैं टकराते नहीं हैं, टकराहट उन्हीं के यहाँ चचा भतीजे टकराते हैं, कभी मिलते हैं कभी टकराते हैं। सबसे बड़ी जो पेयजल की समस्या है गंगा जल जो आज घर घर पहुँच रहा है उसका परिणाम है और जो घर घर अनाज पहुँच रहा है, मैं गंगा जल लेकर आया माननीय योगी जी की ने उसमें हमारे कृपा की आगरा के ऊपर और योगी जी और मोदी जी जो घर घर अन्न बंटवा रहे हैं इन दोनों का परिणाम है कि दाना पानी सब मिल रहा है तो और आदमी को क्या चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हो जाओ सोई खुला कैमरे से ठीक है जी चलो चलो पीछे योगेंद्र उपाध्याय राजनारायण ठीक सर छूने वाली सरकार आई। सर
अखिलेश यादव कहते हैं डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी कर रही है, कहीं ऐसा ना हो डबल इंजन आपसी में ही टकरा जाए, क्या कहते हैं? अभी तक नहीं टकरा है क्योंकि वो चचा भतीजे टकराते हैं, इसलिए उनको लगता है कि और लोग भी टकराए, यही कामना करते रहते हैं। वो टकराते खत्म हो गए, फिर अल्टीमेटली उन्हें चचा का साथ लेना पड़ा। मालूम नहीं कितने चचाओं से टकराए हैं वो, इसलिए उनको टकराने की आदत है। सर आखिरी सवाल, और बीजेपी आप कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है, निकाय चुनाव का क्या है? तीन चौथाई तो हमारे पार्षद जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से हमारे मेयर। तो जैसा आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य कराए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जनता निकल रही है भारतीय जनता पार्टी को।